दिनतुल इब्न पोती, पोती कोई भी हो, पोती हो पर पोती हो कोई भी हो, पोती की कितनी हालतें होती हैं? पोती की कुल पांच हालतें हो सकती हैं। पोती की कुल पांच हालतें हैं और इन पांच में से चार आपके सामने आ चुकी हैं, चार आ चुकी है आपके सामने, एक बाकी है जो आपको बताना है। अब ये बताइए चारों कौन कौन सी आ चुकी हैं? अरे तीन तो वही है जो बेटियों की मैंने बताया था कि जरा याद रखना उसको, तीन वही है जो बेटियों की है, यानी बाकी पाएगी दो बटे तीन पाएगी, आधा पाएगी, तीन तो वही है। चौथी हालत इसकी क्या हो सकती है? पोती की, पोती देखिए मैयत की डायरेक्ट रिश्तेदार नहीं है, बीच में कोई वास्ता है, इब्न, इसका मतलब क्या हुआ कि इब्न इसको ब्लॉक कर सकता है, तो इसकी एक चौथी हालत है ब्लॉक होने की, इसे कोई ब्लॉक कर देगा। और इसकी एक पांचवी भी हालत है, उसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये हालतें देख लें इसकी। सबसे पहली हालत आप इसकी लिख दें महजूब, महजूब होने की, महजूब यानी इसको कुछ नहीं मिलेगा। और ये हज्ब की बहस में बात आ चुकी है और वहां पे आपकी समझ में बात आई होगी कि बिनतुल इब्न कभी महजूब भी हो सकती है। तो बिनतुल इब्न की पहली हालत हो सकती है महजूब होने की, क्यों? इसलिए कि बिनतुल इब्न मैयत की डायरेक्ट रिश्तेदार नहीं है, बल्कि ये बेटे के वास्ते से आती है, इसलिए अगर बेटे का वास्ता मौजूद होगा तो बिनतुल इब्न को नहीं मिलेगा। जैसे एक आदमी मर गया, अब उसका बेटा है और बिनतुल इब्न है, तो इस सूरत में बेटा वारिस होगा, बेटे को मिलेगा, लेकिन बेटी महजूब हो जाएगी, इसको कुछ नहीं मिलेगा, बेटा इसको महजूब कर देगा, क्योंकि ये बिनतुल इब्न इसी बेटे के वास्ते से आई है। तो इसकी पहली जो हालत है वो महजूब होने की, महजूब कब होगी? जब बिनतुल इब्न से ऊपर कोई मुजक्कर हो फुरू में, फरे वारिस मुजक्कर आला हो। बिनतुल इब्न कब महजूब होगी? जब फरे वारिस मुजक्कर आला हो। मुजक्कर आला हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर मान लीजिए एक मैयत है, उसकी जौजा है, इब्न है और बिनतुल इब्न है, तो जौजा को मिल जाएगा एक बटे आठ और बाकी मिल जाएगा बेटे को, और ये बिनतुल इब्न हो जाएगी महजूब, क्योंकि ये बेटा मौजूद है, क्योंकि ये बेटे ही के वास्ते से आती है और ये इसको महजूब कर देगा, ये बिनतुल इब्न महजूब हो जाएगी। और अगर बिनतुल इब्न और निचले नस्ल की हो और नीचे दर्जे की हो, तो फिर ऊपर दर्जे का जो बेटा होगा वो भी इसको महजूब कर देगा, यानी पोता इसको महजूब कर देगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी मर गया, उसकी बीवी है और उसका एक पोता है और उसकी एक पड़ पोती है, बिनतुल इब्न इब्न, तो इस सूरत में भी बाकी इसको मिल जाएगा पोते को, और ये जो पड़पोती है इसको नहीं मिलेगा, ये महजूब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है फरे वारिस मुजक्कर आला मौजूद है, क्योंकि इसके ऊपर मुजक्कर फरा मौजूद है, तो ये निचले दर्जे की हो जाती है, यानी ऊपर मुजक्कर फरा मौजूद है उससे ये नीचे आ जाती है, इसलिए ये महजूब हो जाएगी। तो महजूब होने की शर्त जो है वो ये कि फरे वारिस मुजक्कर आला, यानी फुरू में बिनतुल इब्न से ऊपर कोई मुजक्कर होगा फुरू में, तो बिनतुल इब्न महजूब हो जाएगी। तो अगर कोई बेटा है और बिनतुल इब्न यानी पोती है, तो बेटा पोती को महजूब कर देगा, या अगर पड़पोती है, पोती से भी नीचे पड़पोती है, तो फिर पोता उसको महजूब कर देगा। इसी तरह आगे सिलसिला आप समझ लें। तो ये एक पहली हालत है इसकी पोती की कि महजूब हो जाती है, और ये पहले हज्ब की बहस में ये बात आ चुकी है। इसके अलावा पोती की तीन हालतें वही हैं जो बेटियों की बतलाई गई हैं। बेटी की तीन हालत आपके सामने क्या आई है? एक तो ये कि वो असबा होगी, असबा बिल गैर, यानी बाकी पाएगी,
दूसरा वो सुलसेन पाएगी दो से ज़्यादा हो तो, और तीसरा अकेली बेटी हो तो वो निस पाएगी। तो यही तीनों हालतें इस पोती की भी होंगी। तो अगर पोती के साथ उसका असबा होगा तो पोती बाकी पाएगी। शर्त क्या है? आसिब मौजूद हो। जैसे एक आदमी मर गया, उसकी बीवी है और उसका पोता है और पोती है, बिंतुल इब्न पोती है, तो बीवी को मिल जाएगा 1/8 और ये पोता इस पोती को असबा बना लेगा, तो इन दोनों को मिल जाएगा बाकी, और फिर बाकी जो इनको मिलेगा ये आपस में लिज़कर मिथलु हद्दिल उनसैन के कायदे से आपस में बांट लेंगे। तो ये दूसरी हालत है, यानी जो बेटी की थी वही हालत पोती की भी है। जब बेटी के साथ उसका मैयत का बेटा हो तो वो बेटी उसके साथ असबा बन जाती है। ऐसे पोती का मसला भी है कि पोती के साथ अगर पोता होगा तो वो उसको असबा बना लेगा। ये दूसरी हालत होगी। एक तीसरी हालत एक और है इसकी, उसको अभी छोड़ते हैं। एक चौथी हालत देखते हैं, 2/3। ये 2/3 ये भी बेटी की हालत थी। आप देख चुके हैं कि बेटियां अगर दो से जायद हों, तअद्दुद हो बेटियों में और आसिब मौजूद ना हो तो उनको 2/3 मिलता है। और यही हालत पोती की भी है कि अगर पोतियां एक से जायद हों, तअद्दुद हो उनमें, तअद्दुद हो तो उन्हें 2/3 मिलेगा। याद रहे जो ऊपर जो लिखी जा रही हैं शर्तें, हम नीचे तभी बढ़ेंगे जब ऊपर की हालतें ना हो, यानी महजूब ना हो तो ये हालत हो सकती है कि पोती असवा बन जाएगी। ये भी ना हो यानी आसिब ना हो तो फिर एक तीसरी हालत होगी, ये भी ना हो तो फिर एक चौथी हालत होगी। ये तीसरी हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा तअद्दुद, दो से ज़्यादा, इसका मतलब ये चीज़ नहीं है, यानी महजूब भी नहीं है, आसिब भी नहीं है, तो फिर ये शक्ल हो सकती है कि एक से ज़्यादा हो, तो पोती एक से ज़्यादा हो तो उनको 2/3 मिलेगा। जैसे एक आदमी मर गया और उसकी बीवी है और दो बिंतुल इब्न है, और एक भाई भी ले ले, अक शकीक है, तो जौजा को 1/8 मिलेगा, दोनों पोतियों को 2/3 मिलेगा, जो बचेगा ये इस भाई को मिल जाएगा। तो ये देखें इसकी हालत 2/3 की, पोती एक से जायद है, महजूब नहीं हो रही है, कोई फरे वारिस मुजक्कर आला नहीं है, महजूब नहीं हो रही है, और आसिब भी मौजूद नहीं है इसका, और तादाद एक से ज़्यादा है, इसलिए 2/3 इनको मिल गया। और अगर तादाद तादुद ना हो तो फिर एक ही हालत बचती है बेटी की तरह से, 1/2 इसको मिलेगा, इनफराद, अकेली हो। तो जिस तरह बेटी अकेली होती है तो 1/2 पाती है, ऐसी ही पोती अकेली हो तो 1/2 पाएगी। पोती यानी अपने ग्रुप में अकेली हो, जैसे बिंतुल इब्न, मिसाल देख लें आप, बिंतुल इब्न है, अब इसके साथ और कोई नहीं है, दूसरा कोई हवाशी में कोई है, मान लो अक्षकीक है, तो जौजा को मिलेगा 1/8, बिंतुल इब्न को 1/2, इसको मिलेगा बाकी, क्योंकि बिंतुल इब्न तन्हा है, अकेली है, और ऊपर की कोई शक्ल नहीं है, ना फरे वारिस मुज़क्कर आला है, ना इसका कोई आसिब मौजूद है, और ना इसकी तादाद एक से जायद है, इसलिए फिर एक ही हालत बचती है कि वो 1/2 लेगी। तो ये पोती की वो चार हालतें हैं जो इससे पहले भी आपके सामने आ चुकी हैं। महजूब यानी पोती किसी वास्ते से आती है, और जब भी पोती के ऊपर का वास्ता मौजूद होगा तो पोती महजूब हो जाएगी। और उसके बाद में ये दूसरी हालत है असबा बनने की, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं असबा की बहस में, कि किसी भी बेटी के साथ उसी दर्जे का बेटा आता है तो वो बेटी उसके साथ असबा बिलगैर बन जाती है। तो मैयत की अगर बेटी है तो वो बेटे के साथ असबा बिलगैर बन जाएगी, मैयत की पोती है तो वो पोते के साथ असबा बिलगैर बन जाएगी। और ये 2/3 ये भी बेटियों की बहस में आपके सामने ये बात लाई जा चुकी है कि बेटियां जब सिर्फ बेटियां हों, बेटे ना हों, और वो एक से ज़ायद हों तो 2/3 पाती हैं। तो यही हालत पोती की भी होती है कि पोतियां हों और पोते ना हों, और पोतियां एक से ज़ायद हों तो वो 2/3 पाती हैं। और ये पांचवी हालत है
यानी पोती अकेली हो और कोई ना हो तो बेटी की तरह से बिल्कुल है कि बेटी अकेली होती है और कोई नहीं होता है फुरू में तो बेटी 1/2 लेती है, तो ऐसे पोती अगर अकेली पड़ जाए और कोई ना हो तो भी 1/2 लेगी। ये तीसरी हालत भी हम देख लेते हैं, ये क्या, ये एक नई बात है। तीसरी हालत ये है कि ये 1/6 पाती है, 1/6 कब पाती है, 1/6 पाती है और इसकी शर्त यह है कि यह शर्त है 1/6 पोती को कब मिलेगा, जब पोती से ऊपर फुरू में कोई ऐसी बेटी हो जिसको 1/2 मिल रहा हो। जैसे एक आदमी मर गया, इसकी बीवी है और बेटी है बिंत, और फिर बिंतुल इब्न पोती है अपशकीक है, जौजा को कितना देंगे 1/8, बेटी अकेली है इसलिए 1/2, पोती को यहां पे 1/6 दे देंगे और इसको बाकी। यहां पे हम पोती को 1/6 दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर बेटी को 1/2 मिल चुका है, तो ऊपर निस्फ पाने वाली बेटी हो, तो कभी भी ऊपर निस्फ पाने वाली बेटी हो और ये शक्लें ना हो, ये ऊपर जो है ना ये सूरत भी ना हो, ये भी ना हो, उसके बाद ये तीसरा नंबर आएगा। तो अब देखें कि पोती ऐसी सूरत में है कि पोती महजूब नहीं हो रही है, पहली हालत नहीं है, और पोती का कोई आसिब भी मौजूद नहीं है। अब ये दोनों चीज़ें ना होने के बाद हम देख रहे हैं कि बेटी को आधा मिल रहा है, तो ऐसी सूरत में पोती को 1/6 मिल जाएगा। यहाँ पर हम ये भी समझ लेते हैं कि इस सूरत में, यानी अगर ऊपर किसी बेटी को 1/2 मिला हो तो 1/6 पोती को क्यों देते हैं, इसकी वजह क्या है। असल में कुरान मजीद में बेटियों का जो हिस्सा बतलाया गया है कि बेटियां अगर एक से ज़ायद हों तो उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बतलाया गया है वो है सुलुसैन, यानी 2/3, ये फ़र्ज़ हिस्सा, फ़र्ज़। तो बेटियों का फ़र्ज़ी हिस्सा जो बतलाया गया है, यानी तय शुदा हिस्सा, यानी बेटियां जब असहाबुल फुरूज़ में से हों, तय शुदा हिस्सा पा रही हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको कितना मिल सकता है, सुलुसैन, यानी 2/3। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक बेटी को निस्फ मिल जाता है और उसके बाद एक पोती होती है जो भी बेटियों में शुमार होती है, तो इस पोती को भी 1/6 दे देते हैं, क्योंकि अभी पूरा सुलसेन जो बेटियों के लिए तय था वो मुकम्मल बेटियों तक नहीं पहुंचा है। अगर मैयत की एक बेटी हो और एक पोती हो तो बेटी को जब हमने निस्फ दिया तो समझो पूरा सुलसेन ख़त्म नहीं हुआ, तो अल्लाह ताला ने बेटियों का हिस्सा सुलसेन तय करके रखा है। तो ऊपर की किसी एक बेटी को 1/2 दिया तो अभी मुकम्मल ये सुलसेन नहीं है, बल्कि सुलसेन में से अभी 1/6 बच रहा है, तो सुलसेन में से अगर हम आधा निकालेंगे तो 1/6 बच जाएगा। तो बेटी को अगर 1/2 मिला है और नीचे भी कोई बेटी है तो इसका मतलब ये है कि पूरा सुलसेन बेटियों में नहीं गया है, 1/2 ही गया है। तो 1/2 अगर सुलसेन से हम निकालते हैं तो 1/6 बचता है, तो ये जो बचता है ये हम नीचे की बेटी को दे देते हैं, बिंतुल इब्न को। यहाँ सबसे पहले आप ये समझ लें कि सुलसेन में से अगर निस्फ निकाल दें तो सुदुस बचता है, इसको आप इस तरह समझ लें, 2/3 है, 2/3 में से अगर हम 1/2 निकालते हैं, 1/2 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 1/6 बचेगा। कैसे, तरीका इसका ये होता है कि इसको हम ज़र्ब दे देते हैं 6, 3 × 6 और फिर 2 × 4 और फिर 3 × 3 = 3। अभी कितना हुआ, 4 में से 3 हमने निकाल दिया तो हुआ 1 और ये नीचे क्या है 6, 1/6, 1/6। तो ये सुलसेन है, 2/3 में से हमने माइनस किया, घटाया 1/2 तो बचा कितना, 1/6। तो पता ये चला कि 2/3 में से जब हम 1/2 घटाते हैं तो बचता कितना है, 1/6 बचता है। ये देख लें, आप समझ लें इसको, तो 2/3 में से 1/2 हमने निकाला तो 1/6 बना, यानी इन दोनों को अगर हम जोड़ें 1/2 और 1/6 को तो ये सुलसेन हो जाएगा। जोड़ के देख लें आप, जैसे 1/2 है प्लस 1/6
छः, तो ये कितना आएगा, ये 2/3 आएगा। कैसे आएगा देखें आप, ये नसबनामा यहाँ पे बराबर नहीं है, पहले बराबर कर लें आप इसको, 1/2 ضرب 3, 3 से ज़रब करेंगे तो बराबर हो जाएगा, तो कितना हो गया 3/6 हो गया। और ये असल में वही है, 1/2 ही है, बस इसके टुकड़े ज़्यादा हो गए, क्योंकि यहाँ पे 1/6 है, यानी नसबनुमा बराबर करने के लिए हमने ये किया है, तो ये 3/6 हो गया, 3/6 हो गया। अब हम जोड़ देते हैं 1/6 को, 1/6 को, तो कितना हो गया 3 × 4, 4/6। अब फिर इसको मुख्तसर कर देते हैं, 2 × 4, 2 × 3, 6, कितना हो गया 2/3। तो अब किसी एतबार से भी देखें आप, 2/3 में से 1/2 घटाएं तो होता है 1/6, मतलब ये है कि 1/2 और 1/6 दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 2/3। यह हमने जोड़ के दिखाया, 1/2 + 1/6 = 2/3। ये एक तरीका है, जो रियाजी जानते हैं, हिसाब जानते हैं, वो इस तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब मैयत और ये मान लीजिए बिंत है, 1/2 इसको मिला है, और यहाँ पे बिंतुल इब्न है, तो 1/6 हमने इसको दिया। कैसे दिया, बेटी को 1/2 मिला, तो बेटियों का हिस्सा कुरान ने सुलसैन बताया है, तो सुलसैन में से कितना जा रहा है, 1/2 जा रहा है, तो सुलसैन में से 1/6 बच रहा है, यानी 2/3 में से 1/2 जा रहा है, तो उसमें से 1/6 बच रहा है, इसलिए 1/6 हमने इसको दे दिया। तो ये रियाजी का जो तरीका था उसके ज़रिए मैंने समझाया। अब इसको एक दूसरे तरीके से समझ लें, मिसाल के तौर पर इस तरह समझ लें आप, इसमें सुलसैन कितना है, ये एक सुलुस है, ये एक चीज़ का हमने 3 हिस्सा किया, इसको कहते हैं 1/3, एक सुलुस है। एक और ले लें इसी तरह से, तो 2 सुलुस हो जाएगा, सुलसैन हो जाएगा, इसको भी ले लें, तो ये हो गया सुलसैन, यानी कुल माल में से इतना देने के लिए कहा गया है, ये 2/3 है, इतना बेटियों का हिस्सा कहा गया है। लेकिन अगर इतना ना मिले, 2/3 ना मिले, बल्कि सिर्फ आधा मिले, तो इसका आधा कितना होगा, अगर हम इसके 6 टुकड़े कर लें तो आधा कितना होगा, 1/2, यह 1/2, ये पूरा मिला के, ये 3 सुदुस है, ये तीनों मिला के 1/2 है, देखिए पूरा कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पूरा 6 है, तो 6 का आधा कितना होगा, 3 होगा, 1, 2, 3, तो 3 आधा, यानी 1/2 है, और ये एक हिस्सा कितना है, इतना जो हिस्सा है कितना, 1/6 है, तो ये हमने 6 टुकड़े किए, तो 1/6, ये भी 1/6, ये सब 1/6 है, तो इन सब का अगर हम आधा निकालें तो इसमें कितना सुदुस आ जाएगा, 1, 2, 3 सुदुस आ जाएगा, तो 1 सुदुस ये जो है ना, 1 सुदुस ये बच जाता है। तो एक तो हिसाब के जरिए मैंने आपको समझाया, सुलसैन यानी 2/3 में से अगर हम निकालते हैं निस्फ यानी 1/2, तो बचता है सुदुस यानी 1/6। तो इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये 3 हिस्से में से 2, यानी एक चीज़ का 2/3 है, फिर उसी चीज़ का ये आधा है, तो 2/3 में से अगर हम आधा निकालते हैं तो 1/6 बचता है। ये दूसरा तरीका है इसको समझने का कि 2/3 में से अगर हम 1/2 निकालते हैं तो ये 1/6 बच जाता है, तो यही हम पोती को देते हैं। एक और मिसाल से समझ लें आप कि अगर किसी के पास मान लीजिए 60 रुपये हैं, ये बिंत और ये बिंतुल इब्न, मान लीजिए कि 60 रुपये थे, ये समझ लें 60 रुपये तरका 60 रुपये था, तो बिंत को कितना गया 1/2, यानी 30, बिंद को हमने 1/2 दिया, यानी 60 में से
30 दिया। पूरा बनात का जो हिस्सा है वो कितना है, ये जो 60 है इसमें जो बेटी का हिस्सा था कितना, यानी तमाम बेटियों का जो हिस्सा अल्लाह ने तय किया है वो 2/3, तो 60 का 2/3 होगा 40, 40 2/3 होगा 40, ये 60 का 2/3 कितना होगा 40, बेटियों का हिस्सा कितना है 2/3। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 60 में से बेटियों को कितना जा सकता है 2/3, और 2/3 होता है 40। अब यहाँ पे गया कितना है, एक ही बेटी है, आधा गया है, कितना गया 30। तो अगर हम 40 में से 30 निकाल दें तो कितना बचता है 10, तो इसको हम दे देंगे 1/6, 1/6 यानी 10, 10 इसको मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर अक्षकीक होगा, अक्षकीक होगा तो ये बाकी ले लेगा 30, 40 और 20, 20 ये ले लेगा। इस मिसाल में आप देखें कि बिंद को 1/2 मिल रहा है, उसकी वजह से बिंतुल इब्न को 1/6 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ बेटियों का जो हिस्सा था 2/3, मिसाल देखें 60 है तो 60 में से हिस्सा था 40, लेकिन 40 में से 30 मिला है, अभी 10 बच गया है, तो ये बचा हुआ जो 10 है यानी जो सुदुस है वो हम पोती को दे देंगे। और ऐसा हम क्यों करते हैं, यानी अगर ऊपर की बिंद को निस मिला है 1/2, तो हम 1/6 बिंतुल इब्न को दे देते हैं, ये देखते हुए कि सुलसैन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, उसमें से 1/6 बच रहा है, वो हम दे दें बिंतुल इब्न को। ऐसा हम क्यों करते हैं, इसकी एक वाज़ह दलील सही बुखारी में है कि अबू मूसा अल अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक सवाल आया मीरास का। सवाल में क्या था कि एक आदमी मर गया था, तो मरने वाले की एक बेटी थी और एक बहन थी और एक पोती थी, एक बेटी थी, एक पोती थी, एक बहन थी। तो अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा, वो भी मिसाल से मैं बता दूँ। अबू मूसा अल अशरी रज़ी अल्लाह उनके पास एक सवाल आया, उसमें कौन कौन लोग थे, बिंत, बिंत और बिंतुल इब्न, बिंतुल इब्न और एक उख्त, सगी बहन। तो अबू मूसा अल अशरी रज़ी अल्लाह उनके पास ये सवाल आया, तो उन्होंने कैसे बांट के दिया, आधा दे दिया बेटी को, आधा दे दिया बहन को, इसको काट दिया, बिंतुल इब्न को नहीं दिया उन्होंने। फिर उन्होंने ये कहा कि जाओ अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह उनसे पूछ लो, उनसे भी जाके चेक करा लो कि ये जवाब सही है कि नहीं। तो साहिल जब अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह उनके पास आया, तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ने इसको गलत करार दिया, कहा ये तकसीम सही नहीं। उन्होंने किस तरह बांटा, उन्होंने बेटी को दिया 1/2 और बिंतुल इब्न यानी ये जो पोती थी उसको दिया 1/6 और इसको दिया बाकी। या पढ़ चुके हैं असबा की बहस में कि बहन अगर फरए मुअन्नस के साथ हो तो उसको बाकी मिलता असबा माल गैर, तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी ने इसको असबा माल गैर बनाया यानी इसको बाकी दिलाया, बेटी को आधा ही दिया जैसे उन्होंने दिया था, अलबत्ता बिंतुल इब्न जिसको काट दिया था अबू मूसा अल अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको दिया 1/6। और उसी मौके से अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे तकसीम किया, और उसमें उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तकमिला, तकमिलत सुलसैन, कि सुलसैन मुकम्मल करने के लिए, यानी ये दोनों मिला के सुलसैन मुकम्मल होता है, इन दोनों का हिस्सा अगर जोड़ेंगे तो कितना होता है, यह 2/3 होता है, यानी 1/2 और 1/6 आप जोड़ेंगे तो 2/3 होता है, तो इसको तक मिला तो सुलसैन कहते हैं कि सुलसैन को मुकम्मल करना। तो 1/2 अभी मुकम्मल सुलसैन नहीं है, तो 1/6 भी उसमें ऐड कर दें तो सुलसैन हो जाएगा, तो 1/2 इसको गया, 1/6 भी इसको दे दिया, तो ये मुकम्मल 2/3 बेटियों में आ गया जो कि कुरान ने तय किया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही तकसीम करने के लिए बतलाया है, तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस तरह से तकसीम किया और तकसीम करके पोती को भी 1/6 दिलाया। तो इसी बुनियाद पर हम जो है पोती को इस हालत में 1/6 देते हैं, ये अल्लाह के नबी रसम की हदीस है सही बुखारी में, उस रोशनी में हम इसको 1/6 देते हैं, और इसको क्या कहते हैं, तकमिलतु सुलतैन, यानी सुलतैन मुकम्मल करने के लिए हम उसको 1/6 देते हैं। तो ये हालत हो गई किसकी, पोती की, तीसरी हालत। तो इसको अच्छे से समझ लें, बाकी चार हालतें तो पहले आप पढ़ चुके हैं, ये नहीं है इसलिए इसको हमने आपको तफसील से समझा दिया है। अब एक चीज़ और रह गई है, वो ये कि
अब तक की बहस में अगर आपने गौर किया होगा तो एक चीज़ और भी समझ में आई होगी आपके कि पोती के महजूब होने की एक सूरत और भी है। पोती के महजूब होने की एक सूरत आपको यहाँ बताई गई है क्या, कि फ़रे वारिस मुजक्कर आला हो। लेकिन ये जो सूरतें आपने पढ़ी हैं, ख़ास तौर से ये 1/6 वाली, ये पढ़ने के बाद आपके जहन में खुद ब खुद एक बात आ जानी चाहिए कि एक और हालत हो सकती है कि पोती को कुछ न मिले, यानी वो महरूम हो जाए। वो हालत क्या है? वो ये है, मिसाल से देख लें आप, कि एक आदमी मर गया, उसकी है 2 बेटियां और एक है बिन्तुल इब्न, एक है अख शकी। तो 2 बेटियों को कितना मिलेगा? 2/3 मिलेगा। अख शकी को बाकी मिलेगा। बिन्तुल इब्न को क्या मिलेगा यहां पे? इस हालत में बिन्तुल इब्न को कुछ नहीं मिलेगा। अगर यहां बेटी एक होती तो इसको 1/6 मिल सकता था, तक मिला तो सुलसैन के लिए, सुलसैन मुकम्मल करने के लिए। लेकिन यहां तो सुलसैन पहले ही मुकम्मल हो चुका है, यानी जो सुलसैन था वो पूरा 2 बेटियों में जा चुका है, उसके बाद ये पोती बची है, तो इसको क्या मिलेगा? इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बेटियों का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है 2/3, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता, और 2/3 पूरा का पूरा यहां खत्म हो चुका है, इसलिए अब इसके लिए कुछ भी नहीं बचा। तो ये भी इसके महजूब होने की एक शक्ल है। लेकिन महजूब की बहस में हमने ये शक्ल नहीं बताई थी, क्योंकि हकीकत में ये महजूब नहीं हो रही है बल्कि महरूम हो रही है। महजूब का मतलब ये होता है कि एक हाजिब किसी वारिस को वर्षा के कतार ही से निकाल के बाहर कर देता है, यानी वो लाइन में होता ही नहीं। लेकिन महरूम का मतलब कि लाइन में तो रहेगा लेकिन उसके लिए कुछ बचता नहीं है। तो यहाँ बिन्तुल इब्न लाइन में है, कोई इसको महजूब नहीं कर रहा है। बिन्तुल इब्न को कौन महजूब कर सकता था? इब्न कर सकता था, फरे वारिस मुजक्कर आला इब्न, लेकिन इब्न यहाँ पर नहीं है, तो बिन्तुल इब्न यहाँ पर महजूब नहीं हो रही है लेकिन महरूम हो रही है, क्योंकि 2/3 में से ही कुछ इसको मिल सकता था, और पूरा जब इन दोनों को मिल गया तो इसके लिए कुछ नहीं बचा, तो ये हो गई महरूम। तो चूंकि महरूम में भी इसको कुछ मिलता नहीं, इसलिए हम इसको इसी के साथ शामिल कर देते हैं महजूब की शक्ल में। तो यहां एक चीज और लिख देते हैं, क्या? कि तो एक तो पोती के महजूब होने की शक्ल यह फरे वारिस मुजक्कर आला, दूसरी शक्ल है कि ऊपर 2/3 खत्म हो गया हो। तो ऊपर अगर 2/3 खत्म हो गया तो भी पोती को कुछ नहीं मिलेगा, जैसा कि यहां पे आप देख रहे हैं कि 2/3 खत्म हो गया है और पोती को कुछ नहीं मिला। अलबत्ता ये खत्म हो जाने के बाद भी पोती को कभी कभी मिल सकता है, वो इस तरह, तो वो इस तरह कि इसका आसिब आ जाए, इब्नुल इब्न। आसिब कौन होगा इसका? इब्नुल इब्न। इब्नुल इब्न आ जाए तो फिर इसको मिल सकता, गर्चे खत्म हो चुका, क्योंकि फर्जी हिस्सा खत्म हुआ है और ये आसिब आ गया इब्नुल इब्न, तो ये आसिब आ गया यानी बाकी पाने वाला आ गया। और जब बेटा या पोता कोई भी बाकी पाने वाला आता है और उस दर्जे की कोई मुअन्नस होती है तो वो अपने साथ शामिल कर लेता बाकी में। तो ये जो इब्नुल इब्न नीचे आ गया तो ये बाकी पाने वाला आ गया, और इसी दर्जे की बेटी मौजूद है यानी पोती, ये पोता है तो पोती मौजूद है, इसलिए दोनों बाकी पा जाएंगे। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि सुलसैन खत्म हो गया है फिर भी ये महजूब नहीं हो रही है, इसलिए आगे हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे, क्या? ऊपर सुलसैन खत्म हो गया हो और आसिब ना हो, और आसिब ना हो, यहां आसिब आ गया ना, आसिब आ जाने के बाद इसको मिल रहा है। मान लीजिए 6 लाख थे तो 4 लाख इन लोगों को मिल जाएगा, बाकी बचेगा 2, तो 2 इन लोगों को मिल जाएगा, 2 लाख इन लोगों को मिल जाएगा, और फिर 2 लाख ये दोनों आपस में लिज़्ज़कर मिस्लो हज़्ज़िल हुसैन के तहत बांट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बिन्तुल इब्न के साथ अगर ये ना होता तो इसको कुछ भी नहीं मिलता, बिन्तुल इब्न को कुछ नहीं मिलता, लेकिन बेटे के आ जाने की वजह से बेटा चूंकि ये बाकी पा रहा था तो अपने साथ उसको भी शामिल कर लिया। तो ये हमने जो ये दूसरी चीज़ ऐड की यहाँ पे हज में महजूब होने की शक्ल में, तो उसमें क्या, ऊपर 2/3 खत्म हो गया, ये भी लिखें, और आसिब ना हो, क्योंकि आसिब होगा तो भी ये महजूब नहीं होगी। तो यहां पर देखें ये 5 हालतें मुकम्मल होती हैं। तो एक हालत है कि ये महजूब होगी यानी कुछ भी नहीं पाएगी, ऐसा कब होगा? जब
बिन्तुल इब्न से ऊपर का कोई बेटा मौजूद हो तो महजूब हो जाएगी, या फिर ये यानी ऊपर सुलसैन खत्म हो चुका है और इस पोती को असवा बनाने वाला कोई नहीं है तो ऐसी सूरत में भी ये महरूम हो जाएगी यानी महजूब हो जाएगी। और अगर ये सूरतें ना हों तो फिर क्या है, आसिब मौजूद हो, आसिब अगर मौजूद है बिन्तुल इब्न का, आसिब यानी पोता मौजूद है तो उसको बाकी दोनों को बाकी मिल जाएगा, फिर आपस में लिजा करे मिसलो हाजिल हुसैन के तहत। और अगर तीसरी हालत क्या है, 1/6 पाने की, यानी ऊपर अगर किसी बेटी को निस्फ मिल गया है तो गोया कि सुलसैन में से सिर्फ उसे निस्फ मिला है और सुदुस 1/6 बच गया है तो बचा हुआ सुदुस इसको दे देंगे। ये सूरत भी ना हो यानी महजूब ना हो रही हो, आसिब भी ना हो और ऊपर निस्फ पाने वाली बेटी भी ना हो तो क्या सूरत हो सकती है कि पोती 1 से ज़ायद हो, तो पोती अगर 1 से ज़ायद होगी तो उसको 2/3 मिल जाएगा। और ये चारों सूरतें ना हो यानी महजूब ना हो रही हो, पोती का आसिब मौजूद नहीं है, पोती से ऊपर कोई निस्फ पाने वाली मौजूद नहीं है, पोती की तादाद 1 से ज़्यादा नहीं है, तो एक ही शक्ल बचती है कि वो अकेली है और ऐसी सूरत में उसको 1/2 मिलेगा। तो ये कुल सूरतें हो गई पोती के हिस्सा पाने की। यहाँ पर यह बहस ख़त्म होती है कि फुरु के वारसिन को कितना मिलेगा, तो फुरु में जो मुज़क्कर हैं वो सब के सब आसबा हैं, वो आप पहले पढ़ चुके हैं, और मुअन्नस में 2 बिन्त बेटी और बिन्तुल इब्न पोती, और इन दोनों की हालतें आज आपको बताई जा चुकी।